आज हम उसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। कहते हैं कुछ समय बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे उनकी एक तरह से पट्टी बनी हुई थी। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोएड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जो हेलीकॉप्टर्स थे और सेना के जो वाहक थे वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक सही तरीके से परफेक्ट पंक्ति बना करके उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। ही कहते ये ओनली केवल एक प्रदर्शन ही नहीं था सेना का और मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। बल्कि जो मिलिट्री की देशभक्ति थी उसका भी एक प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये कहते एक नई गवर्नमेंट के प्रति जो कि निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कहते कुछ क्षण पहले की बात है, द हायर जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। कहते कि साउथ अफ्रीका के डिफेंस के और पुलिस के जो बड़े बड़े जनरल्स थे, सबसे ऊंची जो पद के, द चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स, उनकी जो छातियाँ थी वो रिबन से सजी हुई थी, एंड मेडल्स और मेडल से डेज गोन बाई, दिन कुछ दिन बीते उससे पहले ही सैल्यूटेड में मेरे को क्या करते थे, नमस्कार करते थे। सैल्यूटेड में एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने क्या किया था, शपथ ली थी और मेरे को सैल्यूट किया और प्लेस अपनी जो स्वामी भक्ति देशभक्ति थी उसके प्रति शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर। कहता कि मैं इस तथ्य के प्रति मेरे को ज़्यादा जरा भी मैं महसूस नहीं करता कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। वो मुझे क्या करते थे, सैल्यूट करने के बजाय मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक। ये कहता है कि आखिरकार एक इम्पाला जेट्स की जो भी आकार की पंक्ति बनाती हुई धुआं छोड़ती हुई ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग की वो आ पहुंची थी। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी। कहता है कि दिन मेरे लिए एक सिंबल की तरह था, याद रखने की यादगार था। फॉर मी द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। कहता है कि इस दिन हमारे दो नेशनल एंथम्स से बजाए जा रहे थे। एंड पहला था प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकिले अफ्रीकी। कहते हैं कि ये वाइट्स का था, निकोसिस के लिए अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। पुराना जो जो उनका नेशनल एंथम था वो गा रहे थे। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप नेव द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। कहते कि यद्यपि उनको अच्छे से याद नहीं था क्योंकि पहली बार गा रहे थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, शीघ्र ही उनको दिल से याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, कहते कि जिस दिन समारोह हुआ था उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे कुछ थोड़ा सा ध्यान आ गया अपनी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, कहते कि 20वीं शताब्दी के पहले दशकों के अंदर, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार, कहते कि जो एंग्लो बोयर वार हुआ था उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ये कहते हैं कि जो अफ्रीका के वाइट स्किन के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से रंग भेद की नीति अपना ली थी, जो अफ्रीका के मूल निवासी थे उसके अपने ही लोगों के खिलाफ, जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट। ये कहते हैं जो उन्होंने स्ट्रक्चर अपनाया था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, मोस्ट इनोमिन, बहुत ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ये कहते हैं समाज की सभ्यताएं इसको कभी जानेंगी, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century। ये कहते हैं कि अब 20वीं शताब्दी के लास्ट में, एंड माई ओवन 8th decade एज ए मैन, और मेरे अपने 8वें दशक के रूप में, द सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न फॉर
एवर, कहते कि सिस्टम था वो पूरी तरह बदल चुका था एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, और उसके द्वारा बदला जा चुका था अधिकारों के द्वारा एंड फ्रीडम्स और आज़ादी के द्वारा ऑफ ऑल पीपल्स और सभी लोगों के द्वारा रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, और कहते हैं कि उनकी स्किन के द्वारा पहचाना उसकी स्किन की पहचान के अलावा दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, कहते हैं कि ये दिन था वो हमारे जो भी लोग थे उनकी अकल्पनीय जो बलिदान किया था उन्होंने उसकी वजह से आया था। पीपल हूज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और कहते हैं जिन लोगों का जो सफरिंग और करेज था, जिनका कष्ट और साहस था, वो कभी भी गिना नहीं जा सकता या उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कहते हैं मैंने उस दिन भी ऐसा ही महसूस किया जिस दिन कुछ मैं और दिन महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स के लिए मुझे एक तरह से जवाब दे हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि वो लंबी और सभ्य पंक्ति थी वो खत्म हो गई और मेरे से फिर से शुरू हुई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, ये कहते हैं मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको कभी धन्यवाद नहीं कर सकूंगा और वो कभी ये देख नहीं पाएंगे व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रोट, कि उनके बलिदानों से क्या मिला हमें। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कहते हैं कि जो रंग भेद की नीति है उसने मेरे लोगों को गहरे जख्म दिए हैं, मेरे देश को और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी ने बहुत से साल बिता दिए, इफ नॉट जनरेशन, कहते हैं पीढ़ी नहीं तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कहते हैं हमें बहुत समय लग जाएगा इस दुख से उभरने में। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन ब्रूटिलिटी हैड अनदर, कहते हैं कि दशकों के जो दमन की और जो बुराई की नीतियाँ थी मान्यता की अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बस, कहते हैं कि इसने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया, ओलिवर थम्बस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, ये सारे अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी थे, द यूसुफ डेडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकास ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये कहते हैं कि अदम्य साहस के लोग थे, करेज विजडम एंड जेनरोसिटी दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कहते कि इतना उनके अंदर साहस था, बुद्धिमत्ता थी और उदारता थी कि वो उन जैसे फिर नहीं होगा। Perhaps if it requires such depths of operation to create such heights of character, कहते हैं शायद ये दमन की खाइयाँ हैं वो जो करेक्टर की ऊंचाइयाँ पैदा करती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, कहते हैं मेरा कंट्री है, देश है वो हीरे जवाहरात में ऊपर है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, कहते हैं इसकी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसका धन उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, कहते हैं कि फाइनर है और सच्चे और अच्छे भी एकदम से बढ़िया डायमंड्स की तरह, अच्छे डायमंड्स की तरह। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कहते हैं मैंने इन कॉमरेड से ही सीखा है करेज का मीनिंग जानना। टाइम एंड अगेन, समय के साथ और दोबारा से, आई हैव सीन मैनी मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कहता कि मैंने समय से आदमी और औरतों को एक चीज़ के लिए खतरा मोल दे लेते हुए देखा है और अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने लोगों को देखा है कि लोग खड़े रहते हैं बिना टूटे, उनको दुख सहन करते हुए देखा है। सोविंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने जाना कि जो साहस है वो दुख की अनुपस्थिति होना ही नहीं होता, बट द ट्रम्फ ओवर इट, पर बल्कि इसके ऊपर जीत प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डस नॉट फील अफ्रेड, कहता है कि जो बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो इस डर के ऊपर
जीत प्राप्त कर लेते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनोदर पर्सन, कहते हैं कोई व्यक्ति जन्म से दूसरे से नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन की वजह से, और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड की वजह से, और हिज रिलीजन, उसके धर्म की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को लर्न नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, तो उनको प्यार करना सिखाया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और कहता है क्योंकि प्यार होता है वो और ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है मानव के पास, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ये कहते हैं जेल में मेरे बहुत बुरे समय के दौरान, वैन माई कॉमरेड्स एंड आई हैव पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें हमारी कॉमरेड्स यानी कि उसके साथी जो थे, और उसको जब हद एक यानी कि सीमा को भी क्रॉस कर दिया जाता तो उनको इतने दुख दिए जाते थे, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं किसी भी गार्ड्स के अंदर एक मानवता की किरण को देख लेता था, पर हैव जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, परंतु ये मुझे दोबारा खड़ा करने के लिए पर्याप्त होते थे, एंड कीप मी गोइंग ऑन, और मुझे अपना काम जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की गुडनेस होती है वो एक मसाल की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता।